इसमें रूम लिया है वो कैसा है? आइए, ये रूम है मेरा और ये है, काफ़ी अच्छा वॉशरूम है, आप देख सकते हैं सब चीज़ में अवेलेबल है। और ये रूम है, डबल बेड है और एसी भी लगा हुआ है। और ये देखिए पीछे एक बालकनी भी है, बताऊँ आपको कुछ अच्छा व्यू नहीं है। मैं सिर्फ काफ़ी अच्छा रूम तो नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप चाहे तो ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं, यहाँ पे आके भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और स्पेस मैं नहीं कहूँगा कि ज़्यादा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय नीड्स चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लग्जरीज के हिसाब से आप चाहे तो ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। जो लोकेशन है वो और कुछ ही देर में मैं अभी लक्ष्मण झूला पहुंचने वाला हूँ। इधर लिखा है लक्ष्मण झूला लेफ्ट। रेंट पे मिल जाती है और वन डे के लिए। गाइस लक्ष्मण झूले से किस तरीके का व्यू आता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए बहुत अमेजिंग व्यू होता है यहाँ पर, राफ्टिंग और ये सब आप देख सकते हैं। वाटर बोट्स भी है जिसमें लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो राफ्टिंग, मोटर बोट्स सब कुछ ही देख सकते हैं सामने। यहाँ से ये टैक्सी सर्विस है जो 10 रुपीस पर पर्सन लेते हैं। मैं देखता हूँ मुझे कौन सी गाड़ी में बैठना है।
रामफल, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको मतलब किस तरीके से काट रहे हैं और क्या। कितने रुपए किलो मिलते हैं? बहुत अच्छा टेस्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक नई चीज, नया फल मैंने ये ट्राई किया है यहाँ पर, राम फल। ये पूरा राम झूला है और यहाँ पे नहाने के लिए आप देख सकते हैं स्टेप बनी हुई है, घाट है ये, यहाँ पे आप आराम से स्नान कर सकते हैं ऐसे ही। सेम आपको मैंने बताया था कि लक्ष्मण झूला पे भी इसी तरीके की घाट है जहाँ पे आप नहा सकते हो। और यहाँ लिखा हुआ भी है किशन घाट। एक काफी बड़ा घाट है और ये कुछ इन्होंने सिंबल्स बनाए हैं, शायद ये अभी कोविड से कोविड के लिए कि लोग इतने डिस्टेंस पे। और गोलगप्पे, मोमोज, इस तरीके का फास्ट फूड यहाँ पे रहता है, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। मैं भी चाय पीने के लिए रुका हूँ और ये अंकल बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ उनका बनाने का तरीका क्या है। तो लगी है बहुत बढ़िया चाय है इसका और मजा आ गया। अब मैं चलता हूँ